चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम पढ़ते हैं 81 पेजेस और इंपॉर्टेंस ऑफ ओबीसी। एडवांटेजेस में सबसे पहला एडवांटेज है ओपनियो पेज नंबर 33, एरर्स कैन बी डिटेक्टेड एंड इट कैन बी प्रिवेंटेड इन फ्यूचर। ठीक है, तो ओरिजिन के कारण क्या होता है, अगर अकाउंट्स में कोई मिस्टेक है तो ये मिस्टेक हम डिटेक्ट कर सकते हैं और फ्यूचर में वो फिर से ना हो, इसके लिए हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट एडवांटेज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर। ठीक है, आप इसके पॉइंट्स जो है लिख सकते हैं एंड आफ्टरवर्ड्स आप इसको डेवलप कर सकते हैं। चलो देन सेकंड वन, फ्रॉडुलेंट अकाउंट एंड चीटिंग कैन बी डिटेक्टेड एंड प्रिवेंटेड इन फ्यूचर। तो सेकंड वन इज डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉडुलेंट अकाउंट्स एंड चीटिंग। चलो थर्ड वन है, अकाउंट्स आर केप्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंट। तो ऑडिटिंग होता है तो डेफिनेटली अकाउंटेंट को क्या करना है, उसको सारे अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स फॉलो करना है। तो अकाउंट्स आर केप्ट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स, तो इट इज थर्ड एडवांटेज, अकाउंट्स आर केप्ट एज पर प्रिंसिपल्स ऑफ नंबर फोर, प्रेजेंस ऑफ ऑडिटर एक्ट एज अ मोरल इफेक्ट ऑन एम्प्लॉय, सो एम्प्लॉय रिमेन रेगुलर एंड एलर्ट। तो एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल आ रहा है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट होगा कंट्रोल ऑन एम्प्लॉयज, मोरल कंट्रोल भी आप लिख सकते हैं कि देयर विल बी मोरल कंट्रोल ऑन एम्प्लॉयज। चलो देन नंबर फाइव, इफ दी बिजनेस इज टू बी सोल्ड ऑडिटेड अकाउंट्स प्रोवाइड हेल्प इन फिक्सिंग प्रॉपर परचेस प्राइस। सी इन सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा अकाउंट्स ऑफ अमलगेमेशन एब्जॉर्प्शन एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, तो इस सभी में हम क्या करते हैं, वी सेल आउट अवर बिजनेस। जब बिजनेस सेल आउट होता है तो परचेस प्राइस डिसाइड करनी होती है, तो ये परचेस प्राइस कहां से डिसाइड होती है, अगर आपका अकाउंट्स ऑडिटेड है तो परचेस प्राइस कैन बी फिक्स इजी। ठीक है, तो फिक्सिंग परचेस कंसीडरेशन बिकम्स इजी। ठीक है,
है. Then sixth one, it becomes easy for those who lend money to decide the credit if the accounts are audited. तो अगर अकाउंट्स ऑडिट किए गए हैं तो जो लोग हमें पैसे लेंड करते हैं दे कैन इजीली डिटरमाइन योर क्रेडिट. अगर क्रेडिट वर्थी जैसे वो ऑडिटेड अकाउंट्स के पास से इजीली डिसाइड हो सकती है. तो डिटरमिनेशन has become compulsory to audit the
they are using the money of public. So whether their money is fairly used, fairly managed, तो इसके लिए उसका ऑडिट कंपल्सरी. तो ऑडिटेड अकाउंट से क्या है कि ट्रांसपेरेंसी है. जो शेयर होल्डर्स ट्रस्ट में जो डोनर्स है, दे विल बिकम श्योर देयर मनी आर बीइंग मैनेज्ड प्रॉपर. तो ऑडिट ब्रिंग्स transparency in the accounts of company, trust, etc. चलो 10-11
बट इनकी जगह पर क्या आ गया जीएसटी। तो जीएसटी का जो वैल्यूएशन करना है, जीएसटी का कैलकुलेशन करना है, तो ये कैलकुलेशन करने के लिए भी ऑडिटेड अकाउंट्स यूजफुल है। तो फोर थिंग, कैलकुलेशन ऑडिटिंग। चलो ये पॉइंट सारे नोट डाउन कर लो। थैंक यू।